$1.2 मिलियन यानी पूरे 10 करोड़ रुपए की एनुअल सैलरी मिलेगी आपको, वो भी सिर्फ इस लाइट हाउस को गार्ड करने के लिए। इस जॉब को करने के लिए ना तो आपका कोई बॉस होगा जो दिन रात आप पे नजर रखे, और आप इस जॉब के दौरान जब चाहे सो सकते हैं, जब चाहे उठ सकते हो, पूरा दिन फिशिंग कर सकते हो, मगर आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी होगी कि इस लाइट हाउस पर लगी हुई लाइट सही तरीके से काम करती रहे। लेकिन इस बात को सुनते ही आप सभी के मन में ये आ रहा होगा कि पूरे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो भी सिर्फ एक लाइट हाउस को देखने के लिए, ये तो कोई भी कर सकता है। तो जरा रुक जाइए, क्योंकि जिस जॉब को आप इतना इजी समझ रहे हैं वो असल में इतनी भी आसान नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में से एक है। इसके अलावा कई यूट्यूबर्स ने भी पहले से ही इस टॉपिक पर वीडियोस बनाई हैं। मगर सच में अगर ऐसी कोई जॉब है तो आखिरकार इस जॉब को अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस के समंदर के बिल्कुल बीच मौजूद ज्यूमोन लाइट हाउस की, जो कि ना सिर्फ समंदर की लहरों के बिल्कुल बीच में बना है, बल्कि इस जगह पर आपसे बात करने तक के लिए कोई भी नहीं होगा, बस चारों तरफ आप और आपकी ही होगी। इसके अलावा जिस जगह पर ये लाइट हाउस मौजूद है, उस जगह पर हद से ज्यादा खतरनाक तूफान आते हैं, जिसकी वजह से तूफान में उठने वाली लहरें कभी कदार कई मीटर ऊंची उठती हैं, जो कि सीधा इस लाइट हाउस के टावर से टकराती हैं, जिससे इस लाइट हाउस में मौजूद कीपर की जान तक जा सकती है। इसके अलावा अगर खतरनाक तूफान की वजह से कीपर की जान पर बनाई, तो रेस्क्यू ऑपरेशन करके उसको बचाने से पहले काफी हद तक चांसेस हैं कि उसकी जान तक जा सकती है। लेकिन अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर ये जॉब इतनी ही जानलेवा है तो क्या ही जरूरत है इस लाइट हाउस में किसी को रखने की, और आखिरकार क्या मकसद है इस लाइट हाउस में लगी लाइट का हमेशा जलते रहने की। तो इस चीज को समझने के लिए हमें जाना होगा एंशिएंट टाइम में, जब उस टाइम एक देश से दूसरे देश लंबे सफर करने के लिए ना तो हाईवेज हुआ करते थे और ना ही आज जैसी गाड़ियां। इसलिए लंबे सफर करने के लिए और यहां तक कि एक देश से दूसरे देश तक ट्रेड करने के लिए पानी के जहाज यानी शिप्स का इस्तेमाल किया जाता था। इसी पुराने दौर में कैप्टन मार्सेस एक काफी फेमस सेलर थे, जो कि अपने डेयरिंग एडवेंचरस और रिस्की सफर के लिए मशहूर थे, क्योंकि ये अपने ज्यादातर वॉयज रात में ही करते थे। लेकिन एक दिन किस्मत शायद कैप्टन मार्सेस का साथ नहीं देती, जब अपने वॉयज के दौरान उसकी शिप समंदर के अंदर मौजूद बड़ी चट्टान से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी शिप डूब जाती है। हालांकि इसके बावजूद भी उसकी जान तो बच जाती है, और उस टाइम पर वो ये सोचता है कि रात में सफर करने वाली शिप के लिए कोई ना कोई सलूशन तो होना चाहिए। इसके अलावा जो अगली परेशानी पुराने समय के सेलर्स को झेलनी पड़ती थी, वो थी नेविगेशन प्रॉब्लम, क्योंकि उस टाइम पर GPS एग्जिस्ट नहीं करते थे, और तो और पुराने टाइम के ये एंशिएंट सेलर आसमान में सन के डायरेक्शन और स्टार्स की पोजीशन से ही नेविगेट किया करते थे। लेकिन इन सेलर्स को परेशानी तब होती थी जब रात के टाइम पर आसमान में बादल आ जाते थे, जिसकी वजह से ना तो वो नेविगेट कर पाते थे और ना ही इसका अंदाजा लगा सकते थे कि अगली जमीन कितनी दूर है। इसके अलावा आपको कई केसेस मिल जाएंगे जिसमें समंदर के तूफान की वजह से कई शिप्स खो गए, जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं लगा। और इन्हीं बढ़ते समुद्री हादसों की वजह से शुरुआत हुई लाइट हाउस की, जब इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर का रूलर पटोलमी था, और उस टाइम पर इजिप्ट अपनी लोकेशन की वजह से ट्रेडिंग का हब माना जाता था, और ईस्ट और वेस्ट से आने वाली शिप्स ट्रेड करने इजिप्ट ही आती थी। मगर अलेक्जेंड्रिया शहर के रूलर के लिए सबसे बड़ी समस्या उसकी लोकेशन थी, क्योंकि इस शहर की बंदरगाह जिस जगह पर थी वहां समंदर में काफी बड़े बड़े चट्टान मौजूद थे, जिसकी वजह से सेलर्स को बड़ी परेशानी के साथ इस जगह से गुजरना पड़ता था। और रात के टाइम तो यहां पर खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता था, जहां हल्की सी भी लापरवाही से पूरा शिप डूब जाता था, जिसकी वजह से ट्रेडर्स को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था और किंगडम की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ने लगा था। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए किंग पटोलमी ने उस टाइम के सबसे बेहतरीन आर्किटेक्ट से मदद मांगी, ताकि वो उन्हें इस समस्या से निकाल सके, जिसके बाद जाकर उस आर्किटेक्ट ने इस समस्या से निकालने के लिए एक मीनार बनाने का फैसला किया, जिसके ऊपर आग जलाई जा सके, जिसकी रोशनी से रात के टाइम सेलर को शिप सेल करने में आसानी हो। हालांकि उस टाइम के आर्किटेक्ट को भी शायद अंदाजा नहीं था कि जिस मीनार के ऊपर वो आग जलाने का फैसला कर रहे हैं, वो आगे चलकर एक लाइट हाउस की शक्ल ले लेगा। मगर उस टाइम पर इस एंशिएंट लाइट हाउस को बनाने के लिए मार्बल का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी हाइट तकरीबन 380 फीट के बराबर थी, और इस लाइट हाउस को रोशन करने के लिए हर वक्त आग जलाई जाती थी,
जिसके लिए हद से ज्यादा लकड़ी और ऑयल सप्लाई लगती थी। इसके अलावा उस टाइम पर यह किसी भी इंसान की बनाई हुई टॉलेस्ट स्ट्रक्चर में से एक थी, इसीलिए कई सदियों तक सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में भी इसे शामिल किया गया था। और इस लाइट हाउस में जलने वाली आग इतनी होती थी कि समंदर में मौजूद सेलर्स 47 किलोमीटर तक इससे देख सकते थे, जिससे उन्हें ये अंदाजा हो जाता था कि जमीन उनसे कितनी दूर है। हालांकि आगे चलकर अर्थक्वेक की वजह से ये दुनिया का पहला लाइट हाउस तो टूट गया था, पर फैरो के इस लाइट हाउस ने नींव रखी दुनिया में मौजूद बाकी लाइट हाउस की। हालांकि आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के बाद इन लाइट हाउस में आग जलाकर लाइट जलाने के सिस्टम को इलेक्ट्रिक लाइट से रिप्लेस कर दिया। इसके साथ आगे चलकर कई मॉडर्न इंजीनियर्स ने भी इसमें कई चेंजेस किए, जैसे इसमें मिरर का इस्तेमाल किया जाने लगा ताकि इसकी रोशनी को और दूर तक प्रोजेक्ट किया जा सके। लेकिन फिर भी इसमें लगी लाइट इतनी तेज नहीं थी कि ये मीलों दूर तक पहुंच सके, इसीलिए इंजीनियर ने इस समस्या को सॉल्व करने के लिए 1800 के पीरियड तक इसमें मिरर के साथ साथ इसके आगे लेंस तक लगाना शुरू कर दिया, जिससे लाइट और ज्यादा दूर तक रिफ्लेक्ट हो सके। इसके अलावा लाइट हाउस में लगी लाइट को और भी ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करने के लिए एक फ्रेंच इंजीनियर और फिजिसिस्ट ऑगस्टीन जीन फ्रेसनल ने एक स्पेशल टाइप का लेंस लाइट हाउस के लिए डिजाइन किया, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता था, जो कि लाइट को एक ही पॉइंट में फोकस करने में मदद करता था ताकि लाइट और भी ज्यादा दूर तक पहुंच सके। इसके अलावा वक्त के साथ साथ लाइट हाउस के डिजाइन में भी धीरे धीरे तब्दीली आने लगी, और तो और जहां लाइट हाउस को शुरुआत में सिर्फ समुद्री तट पर बनाया जाता था ताकि शिप्स को ये पता चल सके कि तट कितनी दूर है, वहीं बाद में लाइट हाउस को समुन्दर के बीच में भी बनाया जाने लगा ताकि शिप्स को समंदर के बीच में मौजूद चट्टानों से भी वार्न किया जा सके, ताकि शिप्स को कई मीलों दूर तक खतरे का अंदेशा हो सके। इसके अलावा आज भी लाइट हाउस में फ्रेसनल के द्वारा डिजाइन किया लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम वापस आते हैं वही ज्यूमन लाइट हाउस पर, जो कि समंदर के बिल्कुल बीच में है, और इतनी खतरनाक जॉब करने के लिए आपको साल के $1.2 million मिलेंगे। तो इसके बाद भी अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने आपके लिए काफी रिसर्च करी कि आखिरकार सच में ऐसी कोई जॉब है भी और इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का असल मकसद ही यही था कि आपको एग्जैक्टली ये बता सके कि सच में ऐसी कोई जॉब अवेलेबल है, क्योंकि YouTube पर हद से ज्यादा लोगों ने इस टॉपिक पर पहले ही से वीडियो अपलोड कर रखी है, और मैं नहीं चाहता कि आपको बस इतनी लंबी कहानी बताने के बाद बस बीच में ही छोड़ दूं। तो उसके लिए मुझे काफी रिसर्च के बाद LinkedIn पर ये आंसर मिला कि ऐसी जॉब तो थी, लेकिन फिर भी आप में से कोई भी इस जॉब को अप्लाई इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इतने खतरे की वजह से साल 1991 से ही इस लाइट हाउस को ऑटोमेटेड कर दिया गया था, इसलिए अब वहां पर ऐसी कोई जॉब मौजूद ही नहीं है। पर हाँ, अगर आप 1991 से पहले होते तो शायद हाँ आप इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर कर सकते थे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आप जो प्यारे से कमेंट मेरी वीडियो पर करते हैं, मैं हर एक कमेंट बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ,